हाँ तो वन प्लस वापस ट्रबल में आ चुका है और ये ट्रबल बहुत ही बड़ा स्कैम ले चुका है। तो अगर आप वन प्लस 9 या 9 प्रो के यूजर हो तो फॉर श्योर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैम थोड़ा ज्यादा बड़ा है और हो सकता है ये स्कैम बस इन दोनों स्मार्टफोन तक सीमित ना हो। बात करते हैं कि हम लोग बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। तो देखो, आपको मालूम होगा गीक बेंच के बारे में। गीक बेंच एक ऐसा वेबसाइट है जो आपके फोन के परफॉर्मेंस को नंबर के फॉर्म में डिफाइन करता है। मतलब जिस फोन का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उस फोन का स्कोर ज्यादा रहता है नंबर के बेसिस में। वैसे ही क्या कर रहा है OnePlus अपने लेटेस्ट डिवाइस में, मतलब 9 और 9 प्रो में मिसलीड कर रहा है नंबर्स के हिसाब से। तो देखो, ये स्कैम किस रूप से है वो हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने OnePlus डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन किए हुए, क्रोम ब्राउजर में आप सर्फिंग कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। मतलब परफॉर्मेंस आपको अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कि OnePlus का हर फोन के अंदर आपको मैक्सिमम अच्छा प्रोसेसर मिलता है, मतलब जो मार्केट में बेस्ट हो स्नैपड्रैगन का वो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी OnePlus कर क्या रहा है, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कैप लगा दे रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, आपके फोन का बैटरी बैकअप तो बढ़ जा रहा है लेकिन आपको परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, या मैं बोलूँ बहुत ही कम परफॉर्मेंस मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूज कर रहे हो अपने फोन के अंदर क्रोम ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर को चाहिए एक सफिशियंट अमाउंट में परफॉर्मेंस, लेकिन OnePlus क्या कर रहा है, उस क्रोम ब्राउजर में कैप लगा दे रहा है, तो वो परफॉर्मेंस उतना रीच नहीं कर पा रहा है। ऑफ कोर्स, अगर परफॉर्मेंस रीच नहीं कर पाएगा, अगर सफिशियंट परफॉर्मेंस उस एप्लीकेशन को नहीं मिलेगा, तो वो आपको अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको लैगनेस या आपको कुछ और इश्यूज देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आप ये सब फेस कर रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स ये OnePlus का स्कैम ही है। बात करते हैं, ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में मालूम चला है और ये कंफर्म कर दिया है Geekbench की तरफ से, और Geekbench ने इसके अगेंस्ट में एक्शन क्या लिया है, OnePlus 9 और 9 Pro को फिलहाल अपने Geekbench वेबसाइट से रिमूव कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जो Geekbench ने लिया है, और आगे हो सकता है आपको OnePlus के डिवाइसेस को Geekbench में शो नहीं किया जाए और Geekbench का स्कोर आपको OnePlus के किसी भी डिवाइस में देखने को ना मिले। और Geekbench ने यह भी बताया है कि हम लोग फिर से चेक करेंगे OnePlus का हर डिवाइस का Geekbench स्कोर, क्योंकि ये मैनिपुलेशन में आ जाता है। बेसिकली OnePlus कर क्या रहा है, कुछ सेट ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशन में कैप लगा दिया है, जिसकी वजह से वो सब एप्लीकेशन मैक्सिमम परफॉर्मेंस रीच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो कह रहा है आपका बैटरी तो सेव हो जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये एक सही तरीका है, राइट वे है कि आपके बैटरी को सेव करने का। कुछ अदर तरीका भी हो सकता है, OnePlus कर सकता है, लेकिन हाँ, OnePlus ने कैप लगाया है जो बहुत ही बुरी बात है। Geekbench जैसे एप्लीकेशन Antutu स्कोर वाले एप्लीकेशन में कैप नहीं है, जिसकी वजह से वो सब मैक्सिमम परफॉर्मेंस रीच कर पाते हैं और वो दिखा पाते हैं कि हाँ फोन में तो स्कोर अच्छा आ रहा है। लेकिन बात करें अगर रियल टाइम यूजर्स में ना, तो एप्लीकेशन में कैप लगा दिया है, जिसकी वजह से आपको रियल टाइम में परफॉर्मेंस इतना नहीं मिल पाता है जितना Antutu स्कोर दिखाता है। तो डेफिनेटली ये मिसलीड कर रहा है OnePlus Antutu स्कोर वाले वेबसाइट को भी, साथ में ये मिसलीड कर रहा है हम जैसे कंज्यूमर्स को भी। तो अगर आपके पास भी OnePlus 9 या 9 Pro है, फॉर श्योर आप भी देखना आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम होगा। और जहां तक मेरे को लगता है, ये मुद्दा जितना ज्यादा बढ़ रहा है, जितना ज्यादा ये टॉपिक इंक्रीज होगा, ट्रेंड में जाएगा ना, तो OnePlus फॉर श्योर एक अपडेट पुश करेगा आपके फोन में, अभी कुछ ना कुछ दिन में आ ही जाएगा और ये सब फिक्स हो जाएगा वापस से। लेकिन हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है जो OnePlus कर रहा है और इसे रोकने की जरूरत है। हो सकता है ये किसी और फोन में भी हो, अभी तो सामने आया है OnePlus 9 और 9 Pro में, हो सकता है किसी और फोन में भी हो, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह का अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है, जिसकी वजह से OnePlus तो ट्रबल में आ ही चुका है और OnePlus का बहुत ही बड़ा स्कैम सामने आया है। तो क्या आपका राय है इसके ऊपर, जरूर कमेंट करना। और अगर आपके पास OnePlus 9 या 9 Pro है, तो आप बताना कि आपको ऐसा कुछ फेस हो रहा है, जैसे आप Facebook खोल रहे हो, Instagram खोल रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आपका फोन हैंग कर रहा है, आपका वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैंग कर रहा है उसे प्ले करने पे या उसे रन करने पे, तो जरूर आप कमेंट करके बताना। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और घंटी बटन को बजा सकते हो, ताकि ऐसे कमाल की वीडियोस आपका भाई रोजाना ला पाए। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलकर चिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।